हम सदा दूसरों की संकट में मदद करते आए हैं, वसुंधरा जी की भी की, राजेश पायलट साहब की भी की, गहलोत साहब की भी की। अब चूंकि सचिन पायलट संकट में हैं और हमारे राजस्थान के बल्कि सारी ज़मीन दौसा में तैयार हुई है पायलट परिवार की, तो उनके अस्तित्व पर खतरा है। तो संकट की इस घड़ी में मैं, चूंकि मीणा समाज के 5 लोग उनके साथ, मीणा समाज मजबूती से कंधा लगा के उनके साथ खड़ा है, तो समाज खड़ा है तो मैं भी पायलट साहब के साथ खड़ा हूँ संकट की इस घड़ी में। उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उस विश्वास के आधार पर, पार्टी के सोच के आधार पर मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का निमंत्रण देना चाहता हूँ। लेकिन उनके बयान से ऐसा लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आना चाहते, लेकिन कांग्रेस में ही अगर वो रहना चाहते हैं तो फिर उनके आत्मसम्मान का क्या होगा, स्वाभिमान का क्या होगा, अस्तित्व का क्या होगा, उनके उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। इसलिए मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आवें। किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, गुजर भी किसान है, मीणा भी किसान है, और हम सब मिलकर राजस्थान की, विशेषकर पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को एक तरफ पूरी तरह से उखाड़ फेंकें, कांग्रेस मुक्त कर दें पूर्वी राजस्थान को, उससे उनका स्वाभिमान भी बचेगा, सम्मान भी बचेगा, अस्तित्व भी बचेगा।